अस्सलाम वालेकुम पहर वाले गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बकबोर्ड सीखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से डिप्लॉय करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ आपके पास पैनल होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाई भी है पैनल के बारे में। किसी को भी फेड लेना है टेलीग्राम पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये होगी डिस्क सब कुछ अनलिमिटेड है, बिल्कुल फास्ट वर्क करेगा, कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है। पैनल लेने के लिए आप लोगों ने ओनली टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट करनी होगी मुझसे, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है फाइल्स वाला ऑप्शन के ऊपर, आप लोगों ने डिलीट करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपलोड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करनी है। मीडिया फैक्टर को आप लोगों ने सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों को फाइल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर डाउनलोड कर ले, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ये फाइल है, सपोज करें इसको हमने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा वेट करनी होगी, सब कुछ मैं आपको ए टू जी प्रोसेस बता देता हूँ, तो वीडियो आप लोग ध्यान से देख ले, समझने की कोशिश कर ले। बाद में मुझे ये ना कहना कि यार मेरा वोट डिप्लॉय नहीं, एरर प्रॉब्लम आती है, तो यार आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखना होगा। आप लोगों ने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, आप लोगों ने ये अनअचीव करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे फाइल्स बन जाएगी, तो हमारा जो मेन फाइल था इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करके आप लोगों ने डिलीट करना है। अब जैसे ही डिलीट करेंगे तो इसके बाद आप लोगों ने सबको सिलेक्ट करनी है यहाँ से, एंड आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है मूव वाला ऑप्शन के ऊपर, एंड यहाँ पर आप लोगों ने डबल डॉट लगाना है। इसके बाद आप लोगों ने एक स्लैश लाइन लगा के आप लोगों ने मूव वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यार इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है, पन मेन्यू भी है, बग मेन्यू है, ग्रुप मेन्यू है, यार बहुत सारे, इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है जनाब कंसोल वाला ऑप्शन के ऊपर, एंड यहाँ से आप लोगों ने अपने पैनल को स्टार्ट करना है। अब जैसे ही आप लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है बिल्कुल फास्ट वर्क भी करता है, कोई एरर ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो ये बेनिफिट है फेड पैनल्स में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग कर ले कॉन्टेक्ट पे, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, तो इस पर आप लोग मैसेज कर ले अगर आपको पैनल चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे हमारी ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो आगे प्रोसेस में फिर आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एरर प्रॉब्लम आती है, इसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप लोगों ने कैसे फिक्स करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑफलाइन भी होती है एरर प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टॉप करना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद आप लोग ने ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो लिखा है, इस तरीके से स्लाइड करना है, एंड यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं स्टार्टअप लिखा है, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करनी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर जो डॉगर इमेज है ना, इसको आप लोगों ने क्लिक करनी है, एरो वाला ऑप्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने नोट JS21 पे आप लोगों ने ओनली वर्क करना है, इसी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। अब 21 करने के बाद अगेन आप लोगों ने कंसोल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप लोगों ने अपना जो पैनल है इसको आप लोगों ने कर देना है रिस्टार्ट, ठीक है। अब जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे नोट 21 में इंशाल्लाह आपको कोई भी एरर प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम अभी थोड़ा सा वेट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया यार, कोई भी एरर प्रॉब्लम नहीं आई, ये होती है नोड की कमाल, ठीक है। 21 पे ओनली आप लोगों ने वर्क करना है। फ़ोन नंबर मांगते हैं जनाब, आप लोगों ने फ़ोन नंबर लगाना है कंट्री कोड के साथ, प्लस आप लोगों ने नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये फेयर कोड आप लोगों के सामने है 2BWB एंड ये है 52E3, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अपने साथ लिखना है, तो यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करके नोटिफिकेशन भी ऊपर आ जाएगा, इसको आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद इसको आप लोगों ने इस तरीके से पेस्ट करना है। जैसे ही फेस जो वर्क है यहाँ पर 80% कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बग बोर्ड है वो रेडी हो चुका है। चले इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये वाकई में वर्किंग है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो वीडियो ध्यान से देख ले, ठीक है। एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक भी करना साथ में। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है डॉट मेन्यू, आप लोगों ने कमांड लगाना है, ऑटो मैसेज भी आ चुका है, ऑटो रिएक्ट भी आ चुका है। फाइनली गाइज यार आप लोगों के सामने है कितना फीचर्स है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दी। यहाँ पर आप लोगों के सामने है जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बग मेन्यू आप लोग देख ले, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग बग ग्रुप मेन्यू देख ले, ठीक है। ये ग्रुप के लिए है, कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये सब कुछ बता देता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पर मेन्यूज़ देख ले, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर स्पैम कॉल भी इसके अंदर अवेलेबल, बाकी इसके अलावा ये जो ओनर मेन्यू है इसको आप लोगों ने स्किप करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको आप लोगों ने बग को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट वाला कमांड लगाना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करे ब्लैंक हार्ड वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम टू सेम उस टाइप लिखूँगा,
इसके बाद आप लोगों ने विक्टम का नंबर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने घंटी कोड के साथ लगाने, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ तो नंबर मैंने फुट नहीं कि सिर्फ आपको समझा दे, तो ठीक है ये आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से आप लोगों ने नंबर लगाना है एंड आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर आप लोग स्पाम कॉल करना चाहते, इस कॉल मतलब ये होते कि कोई कॉल करते ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये जो ऊपर कमांड लिखे है आप लोगों ने सेम स्टेप फुट करना है, साथ साथ में आप लोगों ने नंबर भी लगाना है एंड इस तरीके से आप लोगों ने सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग ग्रुप के लिए यूज़ करना चाहते तो आप लोगों ने लिखना है डॉट किल ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने लिख दी, साथ में आप लोगों ने ग्रुप का लिंक भी लगाना है। तो इसके बाद आप लोगों ने सेंड करना है, ग्रुप ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा, कोई भी मैसेज नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है, इसका मिस यूज़ आप लोगों ने कभी भी नहीं करना, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है। इसके अंदर सारा काम जो होती है वो फैनल का होती है, फैनल आपके लिए मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी चाहिए तो मेरे से टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जल्द मिल जाएगा। यूज़र नेम स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इस पर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करना है, ये मेरा टेलीग्राम यूज़र नेम है, तो आप लोगों को भी इस टाइप का फैनल मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको डेली बेस पे मिलता रहे। सॉरी कि अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।